आईफोन वन के द्वारा लॉक किया गया है। इसका खर्चा मिनिमम उसने हमसे लिया। हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। हम आज का व्लॉग बनाने वाले हैं। हमने एक आईफोन लिया है, वो आईफोन वो ओनर के द्वारा लॉक किया गया है। पर शॉप वाले से मैंने बात किया था तो बोला कि हम तोड़ देंगे। चोरी का फोन नहीं है, मेरा फ्रेंड का फोन है, वो बेचना चाहता तो हमने लिया, पर उसको ईमेल आईडी पता नहीं है। हमने लिया है, देखते हैं आज शॉप में जाने वाले हैं वो लॉक टूटता है कि नहीं। मैं आपको फोन दिखा देता हूँ एक बार, देखिए ये रहा आईफोन ओनर के द्वारा लॉक किया गया है। इसको हम खोल ले जा रहे हैं, होता है कि नहीं एक बार जरूर दिखा देते। ये रहा अपना आईफोन, देख लेते हैं होता है कि नहीं। आप देख रहे हो, वीडियो में बने रहे, हम आगे चलते हैं। हाय गाइस, हम दुकान में पहुंच गए हैं। हम दुकान वाले को फोन देने वाले हैं, उनका भैया का नाम साहिल भाई है। हम आपसे उनसे मिला दे, बोलते हैं क्या होता है कि नहीं एक बार दिखा देते। हम दुकान के अंदर जा रहे हैं, देखिए दुकान का लुक यही है। हम पीछे दिखा रहे हैं आरिफ भाई की दुकान है, ये भी हम लोग खोलेंगे, खुलते हैं कि नहीं एक बार देख लेते वो क्या बोलते हैं। बोलते ठीक है, हम उनसे पूछते हैं लोग खुलता है कि नहीं खुलता है। दे दें ये रहे अपना फोन फाइनली दुकान पे दे दिया था रिपेयर करने के लिए, और साहिल भाई ने बोला था वो कॉल करेंगे। और उनका 6 बजे कॉल आता है और मैं 6 बजे लेने जाता हूँ, तो 7 बजता है आते आते और अंधेरा हो गया था शाम के अंधेरे, तो हमने वीडियो आगे का नहीं बना पाया। और फाइनली अपना फ़ोन अनलॉक हो गया है गाइस, देखिए ये पूरा अनलॉक हो गया है और उसने पूरा लॉक आईडी वो सब तोड़ दिया है। हम अब इससे भी ब्लॉग बना सकते हैं, अब अपना अगला व्लॉग इसी से बनाएंगे। भाई आप सपोर्ट करें, लाइक करें, हमें आगे दे आगे बढ़ाए। और इसका खर्चा मिनिमम उसने हमसे लिया 6000 रुपया लिया है। चार्जर कवर टपन बपन सब दे दिया उसने और बोला कुछ होगा नहीं। पर फाइनली वो बोला कि एक बार तुम आईडी बना देना, होता है कि नहीं, फिर मुझे बोला। तो फाइनली अभी अपने इस पे आईडी बनाना है, बनता है कि नहीं बनता। अगर बन गया तो भाई इससे अपने ब्लॉग आने वाले हैं। प्लीज़ भाई सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें, प्लीज़।